हेलो एवरीवन आज के इस वीडियो में हम निकालेंगे डाइवर्जेंस पिछले वीडियो में हमने ग्रेडियंट फाइंड किया था तो आज का ये वीडियो बेस्ड है डाइवर्जेंस पे पहले हम जानेंगे डाइवर्जेंस क्या होता है फिर थोड़ा फिजिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे डाइवर्जेंस का और उसके बाद फिर हम इस पर एक दो प्रॉब्लम करेंगे है ना तो ये इस तरह हमारा आज का ये लेक्चर रहेगा तो चलिए शुरू करते हैं डाइवर्जेंस के बारे में तो डाइवर्जेंस हम किसका निकालते हैं जैसे हमने जाना था ग्रेडिएंट हम एक स्केलर फंक्शन का निकालते हैं तो डाइवर्जेंस हम एक वेक्टर फंक्शन का निकालते हैं ठीक है ये इंपॉर्टेंट uh, बात है सो वी फाइंड वी फाइंड डाइवर्जेंस ऑफ आ वेक्टर फंक्शन और फील्ड ओके okay. तो वेक्टर फंक्शन कैसे कंसीडर कर सकते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया या वेलोसिटी ले सकते हैं आप ठीक है तो ये सारे वेक्टर फंक्शंस हैं और डाइवर्जेंस uh, कैसे निकालेंगे तो एक कंसीडर कर लेते हैं वेक्टर फंक्शन मान लीजिए एक वेक्टर फंक्शन हम लेते हैं वी वी इज ए वैक्टर फंक्शन विच इज डिपेंड्स ऑन एक्स वाइज एट ओके वी कैन डिफाइन एस इन थ्री कंपोनेंट्स तीन कंपोनेंट्स होंगे इसका एक तो है आई कैप जो कि वी एक्स के फॉर्म में है जे कैप वी वाई प्लस के कैप वी जेड ठीक है वी एक्स वी वाई वी जेड क्या है इसके कंपोनेंट्स हैं ये एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में तो ये टोटल जो है वो वी है ओके okay. तो इसका अगर हम डाइवर्जेंस निकाले तो हम इसको कैसे लिखेंगे तो डाइवर्जेंस ऑफ दिस वी मीन्स डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस ऑफ दिस फंक्शन वी इज इक्वल टू डेल ऑपरेटर ऑपरेटेड ओवर दिस वी विद अ डॉट प्रोडक्ट ओके यहाँ पे मैं वेक्टर भी लगा देता हूँ ज़्यादा बेटर रहेगा विद दिस ओवर वेक्टर वी ठीक है डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर वी कैसे ऑपरेट करेंगे डॉट प्रोडक्ट के साथ ऑपरेट करेंगे ठीक है आ, जब हमने ग्रेडियंट निकाला था तो इसके बीच कोई सिंबल नहीं था सिंपल ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन पर हेयर वेन दिस डेल ऑपरेटर ऑपरेटेड ओवर दिस वैक्टर फंक्शन देन वी कंसिडर ए डॉट प्रोडक्ट ओके तो जब इस डेल ऑपरेटर को हम इस पर ऑपरेट करें तो कुछ नहीं डेल ऑपरेटर को रखते हैं इसमें क्या बताया था हमने डेल ऑपरेटर वो था आई कैप डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप ओवर डेल जेड डॉट प्रोडक्ट विथ दिस वेक्टर फंक्शन क्या है हमारा आई कैप वी एक्स प्लस जे कैप वी वाई प्लस के कैप वी जेड ओके तो डॉट प्रोडक्ट ले लें डॉट प्रोडक्ट अगर हम इसका लें तो क्या होगा ये आई कैप के साथ ये आई कैप का प्रोडक्ट होगा जे कैप के साथ ये जे कैप का प्रोडक्ट होगा और के कैप के साथ के कैप का प्रोडक्ट होगा और बाकी के सारे आपके जीरो हो जाएंगे सो दिस डाइवर्जेंस ऑफ़ दिस वैक्टर फंक्शन वी इज इक्वल टू डेल वी एक्स ओवर डेल एक्स प्लस डेल वी वाई ओवर डेल वाई प्लस डेल वी जेड डिवाइड बाई डेल जेड ठीक है तो ये हमारा डेफिनीशन हो गया एक डाइवर्जेंस का ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे जब भी हमें डाइवर्जेंस निकालना हो ठीक है तो इस तरीके से हम करेंगे बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं ये डॉट प्रोडक्ट डॉट नहीं लगाते हैं ना ये डॉट इम्पॉर्टेंट है।, है ना ये डॉट प्रोडक्ट का मतलब है कि ये डॉट प्रोडक्ट से आप कंसिडर कर रहे हैं इसको है ना क्योंकि ये जो डेल ऑपरेटर है भी ये ये भी हमारा एक वेक्टर ऑपरेटर है चलिए तो जब हमने इसका डाइवर्जेंस निकाला डाइवर्जेंस निकाला वेक्टर फंक्शन का हमें मिला क्या तो जब भी हम डाइवर्जेंस निकालते हैं किसी वेक्टर का तो इधर जो क्वांटिटी मिल रही है ये एक स्केलर क्वांटिटी है ठीक है ये एक स्केलर क्वांटिटी है यानी इसको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाले तो ये एक नंबर बताएगा ठीक है इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है जस्ट मैग्नीट्यूड ओके तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है इससे रिलेटेड कि द द डाइवर्जेंस द डाइवर जेंस ऑफ अ वैक्टर फंक्शन इज अ स्केलर ठीक है डाइवर्जेंस किसी वेक्टर फंक्शन का क्या है स्केलर है ठीक है ये सारी बातें आपको लिखनी होंगी अगर पूछा जाए आपसे कि डाइवर्जेंस क्या होता है ठीक है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं डाइवर्जेंस से रिलेटेड एक बात अभी मिस है वो भी जरा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं वो बात ये है कि अगर किसी अगर किसी वेक्टर फंक्शन का डाइवर्जेंस जीरो है तो उसको एक स्पेशल नाम से जानते हैं अगर किसी वेक्टर फंक्शन का इफ डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फंक्शन बैनिशेज मीन्स जीरो देन इन दिस केस द वेक्टर फंक्शन इज कॉल्ड देन द वेक्टर फंक्शन इज कॉल्ड इडल वेक्टर, सोलेनाइडल वेक्टर, क्या बोलते हैं इसको सोलेनाइडल वेक्टर, ठीक है ये बात इंपॉर्टेंट है इसको नोट कर लें मीन्स कंडीशन क्या है कि अगर किसी वेक्टर फंक्शन का डाइवर्जेंस अगर निकालें वो जीरो है तो वो वेक्टर फंक्शन जो है उसको हम सोलिन वेक्टर बोलते हैं ठीक है अब ये क्या इसका फिजिकल मीनिंग है मीन्स इसको कैसे समझें इसको कैसे समझें सारी बातें है ना कैसे समझें चलिए इसी के बारे तो में बात करेंगे तो एग्जाम में अगर पूछा जाए तो ये दो बातें जरूर लिखनी है एक तो ये बात जरूर लिखनी है द डाइवर्जेंस ऑफ अ वैक्टर फंक्शन इज ए स्केलर और ये बात भी जरूर लिखनी है कि अगर किसी वेक्टर फंक्शन का डाइवर्जेंस ज़ीरो होता है मीन्स डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर वी ठीक है इज जीरो देन दिस वेक्टर फंक्शन इज कॉल्ड सोलिन वेक्टर वैक्टर इस कॉल्ड सोलिन वेक्टर ठीक है तो ये तो इससे रिलेटेड हमारी थ्योरी की बातें हो गई कि क्या होता है हमारा ये डाइवर्जेंस uh, ओके okay. अब इसका ज़रा जानते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है मतलब इसको कैसे समझा जाए डाइवर्जेंस को ठीक है तो इसको मिटाते हैं बहुत यूज है इलेक्ट्रिक हाँ फील्ड है ना आप मैक्सवेल इक्वेशन आ गए हम सब डाइवर्जेंस के फॉर्म में लिखेंगे ना डाइवर्जेंस ऑफ ई वगैरह ओके okay. तो इसको मैं फिर मिटा रहा हूँ इससे इंपॉर्टेंट बातें आप इसमें से जरूर नोट कर लीजिएगा अब देखते हैं इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है ना तो वो क्या है डाइवर्जेंस का फिजिकल सिग्निफिकेंस जैसे हमने इस ग्रेडियंट uh, का जाना था फिजिकल सिग्निफिकेंस है ना तो वो उसी तरह हम इसका ज़रा देखते हैं तो देखेंगे डाइवर्जेंस का फिजिकल फिजिकल सिग्निफिकेंस या मीनिंग वट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ दिस डाइवर्जेंस सो डाइवर्जेंस को जरा समझते हैं तो इसको बेटर है कि हम थोड़ा सा इसको ज्योमेट्रिकल से समझें है ना वो ज़्यादा इसको समझने में आपका अंडरस्टैंडिंग uh, बेटर uh, होगा तो एक कुछ मैं लाइंस ड्रा कर रहा हूँ जरा देखें इसको तो अगर मैं कोई फील्ड लाइन इस तरीके से ड्रा कर रहा हूँ मान लीजिए ये हमारी वेक्टर फील्ड लाइन है ठीक है ये कुछ इस तरीके से वेक्टर फील्ड लाइन है हमारी है ना ये हमारी वेक्टर फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से एक वेक्टर फील्ड है भाई इस तरीके से वेक्टर फील्ड जा रही है ठीक है और वहीं पे एक और वेक्टर फील्ड है जो कुछ इस तरीके से ये हमारी एक और वेक्टर फील्ड है ये भी एक वेक्टर फील्ड है ठीक है दोनों में फ़र्क दिख रहा होगा इसमें लाइनें स्टार्टिंग में छोटी हैं फिर आगे बढ़ती जा रही हैं और इसमें लाइनें कॉन्स्टेंट तो देखो ये ये जो फील्ड है ये वाला जो डायग्राम है ये बता रहा है कि दिस वेक्टर फील्ड इज डाइवर्जिंग ओके ये फील्ड क्या हो रही है डाइवर्स कर रही है और ये जो फील्ड है इसमें कोई डाइवर्जेंस नहीं है सो इन दिस केस इट हैज सम पॉजिटिव डाइवर्जेंस पॉजिटिव डाइवर्जेंस ओके और इन दिस डायग्राम वी कैन से जीरो डाइवर्जेंस जीरो डाइवर्जेंस का ये एग्जाम्पल है सोना रहा हूँ ना कि वैक्टर फील्ड लाइन आपकी डाइवर्स कर रही है है ना तो ये पॉजिटिव का एग्जाम्पल हुआ ये जीरो का एक और एग्जाम्पल देखते हैं मान लीजिए वेक्टर फील्ड लाइन आपकी कुछ इस तरीके से जा रही है मान लीजिए एक ये रिप्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं कुछ इस तरीके से जा रही है ये और फिर आगे बढ़ गई ठीक है ये बढ़ गई ये बढ़ गई ये बढ़ गई तो इस केस में भी आपका जो डाइवर्जेंस है वो कैसा हो रहा है कैसा डाइवर्जेंस है ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस ठीक है थोड़ा और भी फील्ड लाइन बना देते हैं ताकि बेटर क्लियर हो ये भी हमारा एक पॉजिटिव डायवर्ज कर रही है हमारी फील्ड है ना न सो दिस इज अगेन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव डाइवर्जेंस ये भी हमारा पॉजिटिव डाइवर्जेंस है और तो फिर आप पूछेंगे नेगेटिव डाइवर्जेंस क्या हो नेगेटिव डाइवर्जेंस मतलब एक पॉइंट पे कन्वर्स कर रही हैं सारी फील्ड यानी ये एक पॉइंट ले लेते हैं हम ठीक है और इस पर फील्ड कुछ इस तरीके से आ रही है ठीक है ये इस तरीके से आपकी फील्ड आ रही हैं तो ये जो एग्ज़ाम्पल है ये हमारा है निगेटिव डायवर्जेंस का इस केस में जो हमको डायवर्जेंस मिलेगा वो कैसा होगा निगेटिव है ठीक है कॉन्स्टेंट नहीं है है ना ये जो एग्ज़ाम्पल है दिस इज yeah, बना देते हैं फील्ड कंप्लीट फील्ड सिमेट्रिकल है हमारी ये फील्ड या yeah, yeah. अब बेटर समझ तो में आ रहा होगा सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ योर निगेटिव डाइवर्जेंस है ना तो ये कुछ जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हमने देखा ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस है ना ये जीरो डाइवर्जेंस ये भी पॉजिटिव डाइवर्जेंस है और ये निगेटिव डाइवर्जेंस ओके तो ये अगर मान लीजिए इस तरीके की वेक्टर फील्ड आपको देखने को मिल रही है तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है इससे हमें क्या समझ में आ रहा है तो डाइवर्जेंस क्या निकालता है एक लाइन में अगर हम इसको समझें डाइवर्जेंस क्या बताता है डाइवर्जेंस बताता है इट मेजर्स हाउ मच द वेक्टर फील्ड या वेक्टर फंक्शन स्प्रेड तो एक लाइन में इसको हम लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फंक्शन डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फंक्शन दिस बेसिकली मेजर मेजर्स हाउ मच हाउ मच आ वेक्टर फंक्शन या फील्ड स्प्रेड कितना फैल रही है हमारी जो फील्ड है वो कैसे फैल रही कितना फैल रही है उसको मेजर करता है आपका डाइवर्जेंस तो और बेटर समझने के लिए फिर आप ऐसा करें कि कुछ पाउडर या कुछ राख जैसा आप पानी में जाके डाल के देखें अगर वो सारा का सारा एक जगह पे आपका ये फैल रहा है इस तरीके से ठीक है फैल रहा है तो वो आपका हो गया पॉजिटिव डाइवर्जेंस का एग्जाम्पल अगर वो एक जगह पे इकट्ठा हो जा रहा है तो वो फिर निगेटिव डाइवर्जेंस है उसमें जो फ्लूड है और अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो ज़ीरो डाइवर्जेंस ठीक है तो ये कुछ जोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन या इसका फिज़िकल मीनिंग एक तरीके से हमने डिस्कस किया डाइवर्जेंस का क्या होता है ठीक है तो आगे बढ़ते हैं फिर डाइवर्जेंस मेरे ख्याल से इतना क्लियर है आपको फिज़िकल मीनिंग क्लियर हो गया होगा यहाँ से तो मैथमेटिकल फॉर्म तो हमने डिस्कस कर ही लिया है है ना तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं एक दो तो प्रॉब्लम इस पर सॉल्व करेंगे तो हमारा इसका बहुत अच्छा एक एक तरीके से पक्का हो जाएगा हमारा तो नेक्स्ट कुछ प्रॉब्लम करेंगे बहुत आसान सवाल पहले करेंगे और फिर इसमें वैसे आसानी सवाल हैं है ना आपके जो एग्ज़ाम्स में आपको मिलेंगे वो इतने मुश्किल सवाल नहीं आते हैं क्योंकि ये बेसिकली फिजिक्स का कोर्स है और ये मैथमेटिक्स में थोड़े टफ आ सकते हैं पर फिजिक्स में दो पॉइंट्स पे क्वेश्चन रहते हैं एक तो सिंपल डाइवर्जेंस निकालना और दूसरा एक प्रॉब्लम रहता है जिसमें आपको जो सॉलिनाइडल का जो कॉन्सेप्ट है उस पर कई बार क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन है फाइंड द डाइवर्जेंस ऑफ अ अपजिशन वैक्टर बहुत पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ मार्क में वन मार्क्स का क्वेश्चन बहुत आसान सा है इसको सॉल्व करके देखें कुछ नहीं करना है हमें डेफिनेशन लगानी है डेफिनेशन क्या है डाइवर्जेंस हमें निकालना है पोजिशन वैक्टर सबको पता है पोजिशन वैक्टर क्या होता है वेक्टर आर इज इक्व टू एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप ओके इसका डाइवर्जेंस निकालेंगे तो डाइवर्जेंस ऑफ दिस वेक्टर फंक्शन आर तो डाइवर्जेंस क्या होता है इसका डेफिनेशन हमने जाना है तो ये होता है डेल ओवर डेलेक्स एक्स कंपोनेंट ठीक है डेल ओवर डेलेक्स ऑफ एक्स कंपोनेंट यह मैं पूरा लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो याद ना करना पड़े जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डल जेड ठीक है डॉट प्रोडक्ट विथ एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप कई लोगों का आंसर भी आ गया होगा तो इसका एक्स वाला एक कंपोनेंट आएगा यहाँ पे तो डेल ओवर डेल एक्स ऑफ एक्स प्लस डेल ओवर डेल वाई ऑफ वाई है ना इसके साथ वाई प्लस डेल ओवर डेल जेड ऑफ़ जेड तो ये क्या देगा हमको ये वन प्लस वन प्लस वन आंसर इज थ्री तो ये बहुत क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में है ना पोजीशन वेक्टर का डाइवर्जेंस क्या होगा दैट इज ए कांस्टेंट वैल्यू थ्री तो अब एक और प्रॉब्लम करेंगे इस पर बेस्ड ठीक है बाकी अब आप कर सकते हैं कोई भी फंक्शन यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो तो फिर उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा टू एक्स टू वाई टू जेड तो टू कॉमन लेके गए एक्स वाई जेड है ना या एक्स वाई Y, Z, Z, X इस तरीके से हो वाई जे उस हिसाब से आप इसका ये फंक्शन फॉर्म में आ जाएगा और कोई पॉइंट दिया हो तो वो वैल्यू रख दें तो आपको ईजिली आप कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपल डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए बहुत सिंपल तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली ठीक है अगला क्वेश्चन देखेंगे आपको डाइवर्जेंस निकालना है ऑफ ए वेक्टर फंक्शन मान लीजिए वो फंक्शन है आपका v इज इक्व टू वी इज टू फाइंड द डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर वी इज इक्व टू एक्स माइनस थ्री वाई आई कैप प्लस वाई माइनस एट जेड जे कैप प्लस ये हो गया एक्स माइनस टू जेड के कैप तो हमें बेसिकली ये बताना है फाइंड द डाइवर्जेंस नहीं निकालना है हमें निकालना है शो दैट uh, शो दैट शो दैट द वैक्टर फंक्शन इज सॉलेनाइडल वैक्टर ठीक है प्रूफ करना है कि सोलनाइडल वैक्टर है तो जरा देख लेते हैं तो सॉलिडर वेक्टर का कंडीशन अभी डिस्कस किया है क्या होता है सॉलिडर वेक्टर का कंडीशन कि इसका जो डाइवर्जेंस आना चाहिए वो अगर ज़ीरो आ रहा है तो इसका मतलब है प्रूफ हो गया कि हमारा जो वेक्टर है वो क्या होगा एक सॉलेडल वेक्टर होगा ठीक है तो करके देखते हैं तो डाइवर्जेंस इसका निकालें तो इसका डाइवर्जेंस क्या आएगा तो डल ओवर डेल एक्स अब मैं रिपीट नहीं करूँगा ये इसका जो एक्स कंपोनेंट है देट इज़ एक्स माइनस थ्री वाई ठीक है प्लस फॉर्मूला है ना डेल ओवर डेल एक्स ऑफ वी एक्स वी वाई वी जेड ये वाला वी एक्स है ये वाला वी वाई हो गया और ये वाला वी जेड हो गया है ना और चलो तो करके देख लो एक बार फिर से डेल और इसका फंक्शन फॉर्म रख के है ना डॉट प्रोडक्ट निकाल के प्लस डेल ओवर डेल वाई डॉट प्रोडक्ट जो लगाएंगे वो नहीं भूलेंगे वाई माइनस एट जेड प्लस डेल ओवर डेल जेड ऑफ एक्स माइनस टू जेड डिफ्रेंशिएट करके देखें तो ये एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा यहाँ से मिलेगा वन वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से मिलेगा वन और ये जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा यहाँ से मिलेगा टू तो आंसर आ गया जीरो सो दिस फील्ड इज ए सोलिटल वेक्टर फील्ड अच्छा कई बार यहाँ पे कॉन्स्टेंट भी देते हैं कि, आ, कि उस कॉन्स्टेंट की किस वैल्यू के लिए ये वेक्टर जो फील्ड होगी वो सोलनेटल uh, होगी या वेक्टर फंक्शन जो होगा सोलैडल वेक्टर फंक्शन होगा तो उस केस में जब आप डाइवर्जेंस इक्वल टू जीरो रखेंगे तो इस साथ में यहाँ पे मान लो एक कॉन्स्टेंट भी होगा तो उससे आप, आप उसकी एक वैल्यू निकाल सकते हैं ठीक है तो सोलैडल वेक्टर फील्ड मतलब ये कुछ इस तरीके की फील्ड आपको जो होती है उस तरीके की फील्ड को आप बोल सकते हो कि सोलनेडल कुछ इस तरीके से यानी उसमें कोई डाइवर्जेंस नहीं हो रहा है इस तरीके से मान लीजिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है ना इस तरीके का जो फील्ड आपको कई बार मिलेगा तो उसका डाइवर्जेंस ज़ीरो आएगा ठीक है या बेसिकली डाइवर्जेंस जहाँ पे जीरो है उसके लिए फिर हम इसको है ना आ, फिर हम देखते हैं कि सॉलिन आइडल बोलने का केस फिर रहता है ना वो फ्लूट में बोलते हैं उसको इनकम्प्रेसिबल फ्लूट है ना तो ठीक है फिर ये हमारा जो वीडियो था ये था डाइवर्जेंस के ऊपर हमने डाइवर्जेंस निकाल के देखा डाइवर्जेंस जाना हमने कि क्या होता है डाइवर्जेंस है ना और अगला वीडियो जो इस सीरीज में रहेगा उसमें हम जानेंगे कर्ल कैसे निकालते हैं किसी वेक्टर फील्ड का तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू